दोस्तों ये देखें मेरे ना पिजन धूप सेक रहे हैं, सबको बाहर निकाल दिया था मैंने। ये सारा दिन खुले रहते हैं माशाल्लाह, आज तो इन्होंने अंडे काफ़ी दिए हुए हैं। आज एक जगह मैंने देखी एक नई जगह पे दे रहे थे अंडे। और ये देखें तोते भी ठीक है माशाल्लाह फ्रेश हैं, थोड़े से ना रात को सर्दी ज़्यादा थी इसलिए ऐसे बैठे हुए हैं इकट्ठे होके, वैसे तो माशाल्लाह फ्रेश हैं। दोस्तों मैं इनके लिए रोटियां लेके आया हूँ, थोड़ा सा धनिया वगैरह था वो लेके आए, वो ना इनको डालते हैं। और ये देखें बारिश पड़ी है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर देखें ऊपर बैठी हुई है एक फावता बैठी हुई है और कबूतर सारे धूप सेक रहे हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल सारे दोस्त ठीक ठाक हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग शुरू करते हैं, ये देखें अंदर जाके बग्गू और कालू को खोलते हैं। दोस्तों ये आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, ये इनको शीशे लगाए हुए थे, ये देखते हैं अब फ्रेश है कि नहीं। दोस्तों ये देखें इस जगह पे अंडे दे रही है कुछ मुर्गियाँ, और कुछ मुर्गियाँ ने इधर ऊपर दिए हुए थे तो वो मैंने उठा के उधर बॉक्स में रख दिए। दोस्तों अब देखते हैं इनको ये क्या कर रहे हैं। ये बग्गू कालू दोनों ठीक है माशाल्लाह, थोड़ा सा शीशे को इस साइड पर कर देते हैं और इनको कुछ देर के लिए खोल देंगे, ताकि जितनी देर मैं ऊपर हूँ इनको खोल देंगे। आ जाओ बग्गू कालू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों इनको मैंने खोल दिया है, देखें माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश फीड रहे हैं। आज ना पहले थोड़ा सा ना इकट्ठा होकर बैठ जाते थे, आज माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश है। और ये भी देखें ये भी वाला थोड़ा सा फ्रेश है अब। दोस्तों अब बारी आती है इनको थोड़ी थोड़ी रोटियां डाल देते हैं और इनका सफाई वगैरह करने की, वो ना बर्तन साफ़ करने वाले हुए पड़े उनको साफ़ करते हैं। दोस्तों उनकी बारी आ गई है, ये देखें मैं थोड़ी रोटियां और सब्ज़ा लेके आया, सब्ज़ा बग्गू को देना है बाकी परिंदों को नहीं देना, ताकि इनको पेचस बहुत जल्द लग जाते हैं, इनको पेचस बहुत जल्द लग जाते हैं। ये देखें धूप सेक रहे हैं दोस्तों, सारे ऊपर बैठे हुए हैं, थोड़े से इकट्ठे बैठे हैं। इनको अल्फ़ाफ्लाजल की ना मेडिसिन डालेंगे, तो उनसे ये है कि थोड़ी सी ठंड वगैरह लगी हो तो वो ठीक हो जाती है, फ्रेज डालने से ठंड वगैरह ठीक हो जाती है। दोस्तों ये देखें सारी देसी मुर्गियाँ सब ठीक है माशाल्लाह। अब इनको दोस्तों दाना वगैरह डालते हैं हम। दोस्तों इनके लिए मैं सब्ज़ा कट कर रहा हूँ, देखिए ये कट ही नहीं करने दे रही, मैं कहा छोटा बग्गू और दूसरे वगैरह खा ले, इनका थोड़ा सब्ज़ा वगैरह कट कर देते हैं। ये देखें पास आ जाती हैं, पहले बहुत डरती थी अब पास आना शुरू हो गया। दोस्तों कट करके डाल दिया, अब खाना शुरू कर दिया मैंने। ये देखिए अब झगड़ा भी साथ में करेंगे, बग्गू माशाल्लाह मुझे उसकी बहुत खुश की है, कालू आज फ्रेश है। बग्गू को थोड़ी ठंड लगी हुई है, वो तो ठंड के साथ ना बैठ ही जाता है, तो वो ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सब्ज़ा खा रही है माशाल्लाह, आगे से काफ़ी बेहतर होगी, इसके लिए भी इंशाल्लाह। आजकल ना एक मुर्गी है दोस्त के पास, उन्होंने दरना मला हुआ है तो वो लेके आते हैं, वो बोल रहा था ले जाना, तो वो पहले तो अगर घर आके अंडों पे बैठ गई उस पर बैठाएंगे नहीं, इसी इसके साथ लगा के बच्चे वगैरह निकालेंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारी मुर्गी है, आपको दिखाएंगे कल। कबूतर देखें कालू सारे ऊपर बैठे हैं, इनको रोटियां डालते हैं, पहले इनका बर्तन दोस्तों साफ़ कर लेते हैं, रोटियाँ पास लेके आ जाते हैं। देखिए झगड़ा करें, वो आगे भी मार रहता है और तुम जो ना उनको मारते रहते हो। दोस्तों ये छोटे जो ना एक सेम रखने चाहिए चूज़े, जो छोटे बड़े होते हैं ना वो झगड़ा बहुत करते हैं। दोस्तों केज के अंदर आ गए, ये धूप जाल में ना इनको ये फ़ायदा है कि पूरी दिन खुले रहते हैं। ये देखें कबूतरी, वो दोनों कबूतरी हैं, वो किसके साथ लगी हैं, मैं वो दो कबूतरियाँ, ये वाला एक जो ना मेरा वाइट कबूतर खटी आँख का है, ये खटी आँख बोलते हैं, इसके साथ लगी हुई है। और ये वाली कबूतरी मेरी, ये डब्बे वाले के साथ लगी हुई खटी आँख वाला। और ये दो काले कबूतर हैं, ये काला कबूतर लगा हुआ है किधर की ऊपर बैठी हुई कबूतरी, ये मेरे ऊपर बैठे हुए हैं इसके साथ लगी हुई है। दोस्तों इन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं, पहले इनका ये बॉक्स साफ कर देते हैं। दोस्तों बॉक्स को उल्टा ही करना पड़ेगा ताकि इन्होंने
पानी और पेचस वगैरह पता नहीं क्या हैरी वगैरह कर रहे हैं। उनको कुछ इधर डाल देते हैं और कुछ इधर डाल देते हैं, और ये तोतों और बग्गू और दूसरों के लिए रख लेते हैं, उनको भी ही डालनी है। ये मेरे पीछे आ गए, आओ 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 आओ, दोस्तों सब बाहर आ गए। देखें ऊपर है कुछ बाहर आ गए। चलो बग्गू तुम पहले ये खाओ, खालो खालो इसको खालो। ये कालू को खाने नहीं देंगी दोस्तों, ये सारा गिरा देंगी। पहले हम तोतों को डाल देते हैं, फिर इनको उधर डाल दें दोस्तों। दोस्तों ये देखें, इन्होंने सब्ज़ी का सफाया कर दिया। नीचे प्याज वगैरह के जो छिलके वगैरह पड़े होते हैं वो इनके लिए अच्छे होते हैं, और सावधानी दे सकते हैं। मैं पहले पहले वो देखें दोस्तों, बग्गू इसका नाम है, ये चलता नहीं है। अब इसको थोड़ी सी धूप लगी हुई, फिर चलेगा। इसको पता चल गया मेरे पास को खाना है, तो पहले हम तोतों को डाल देते हैं ताकि तोते बहुत शौक से खाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये तोतों को डाल दिए हमने, तोतों का दाना पड़ा है, पानी पानी वगैरह भी पड़ा है, साफ है। अब बारी आ जाती है बग्गू की। थोड़ा सा इधर ब्रीक वाला जो है वो बग्गू और कालू को डाल देते हैं ऐसे, और थोड़ा सा बैठ डाल देते हैं, वो भी खा लें दोस्तों। इनको भी इधर डाल देते हैं। ये देखिए बग्गू आ गया बैठ। अब जो बग्गू वाला खाना है उसको नीचे रख देते हैं ताकि अंदर खा ले वो। ये देखिए आ जाओ इधर खा लो दोस्तों। ये देखिए मेरे पास इतने अंडे हैं, वो मुर्गी इंशाल्लाह मिल जाए तो फिर निकालेंगे। ये सारे सील जो मेरी पहली मुर्गी थी ना रानो, उसके अंडे हैं दोस्तों। तो ये निकालते हैं, ये तो देसी के हो गए ना दोस्तों। पता नहीं क्या उसको मसला हुआ था, वो टांगों पर बैठ गई थी तो उसे चला ही नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वो डेड होगी दोस्तों। पता नहीं चला उसका क्या मसला बना उसको, यकदम ना वो डेड होगी। एक दिन टांगों पे बैठी है और अगले दिन वो डेड हो गई थी। उसका तो ना समझ ही नहीं आई मुझे, बहुत अफसोस हुआ था। वो बहुत प्यारी मुर्गी थी, गांव से मैं लेके आया था, तो वो इसके लिए मैं लेके आया था। ये देखें ये वाला मुर्गे के साथ लगाई हुई थी। ये बच्चा है एक थाई का, तो ये भी इंशाल्लाह शायद पट्टी बनेगी, इसके बच्चे लेंगे दोस्तों। वो आपको दिखाता हूँ, वो देखे वो सामने छत पे भी दो सील बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा मुर्गा छलांग लगा देता था नीचे। उधर वो बांगे वगैरह देते थे, जिसकी वजह से ना मुर्गा छलांग नीचे लगा देता था, तो इसी वजह से मैंने इसके पार कट किए थे थोड़े से बीच में से। तो वो फिर भी ना दीवारों पे तो चढ़ जाता है, नीचे छलांग तो नहीं उस दिन से लगाई इसने दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह पाँच अंडे हो गए, अब दो तीन चार पाँच। ये एक देसी मुर्गी है नई वाली, वो अंडे दे रही है, ये वाली है। अब इनका झगड़ा चल रहा है, ये देखें झगड़े के खाना भी ना गिरा देते हैं नीचे, ना तो इनको छोटों को खाने देते हैं और ख़ुद भी नहीं खाता ये। पता नहीं इसको क्या मसला है, ये हर किसी से झगड़ा करता है। इसी के लिए मैंने ये रस्सी बनाई हुई है और इसको मैं बांध देता हूँ। पर काफ़ी दिन हो गए जब से रानो आई थी ना, इसको मैंने बांधा नहीं था, हाथ पे लगाया हुआ था दोस्तों। बच्चे देखते हैं अंदर बच्चों की क्या पोजीशन है, बच्चे सामने ठीक है, लाओ आपको दिखाते हैं दोस्तों। हम केज के अंदर आ गए, सबसे पहले हम बच्चे देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए वो दो बैठे हुए बच्चे काफ़ी माशाल्लाह ठीक है, दो ऊपर बैठे हुए बच्चे वो भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, और एक बच्चा ये बैठा है, दो उसके साथ ही वो बैठे हुए हैं, दो चार छः सात, और दो बच्चे इधर बैठे हैं। शायद आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं शायद थोड़ा कैमरा इस साइड पर करके आपको दिखाता हूँ। वो जो पीछे बॉक्स पड़ा हो ना उसमें बैठे हुए दोस्तों, नहीं नजर आ रहे। दोस्तों वो नजर नहीं आ रहे, वो बच्चे बाहर ही बैठे हैं दोस्तों। ये इनके लिए लगाया था, मेरे ख्याल में ये गिर गया बांस वगैरह, जिसकी वजह से ऊपर जाते थे वो बच्चों को दाना देते थे। वो कबूतरों का रंग देखे दोस्तों, कितना प्यारा आ रहा है, जंगली टाइप। दोस्तों मुर्गियाँ आ गई हैं, मुर्गियाँ खा रही हैं उधर। ये देखे तोते माशाल्लाह सारा खा गए, और लक्की आ गई है, बच्चों को अब दाना वगैरह देगी, बैर रोटी वगैरह खा ली है अपने बच्चे भूखे। इनको बाजरा वगैरह भी दोस्तों डालना पड़ेगा, इनको एक साथ ही मैं ना डैड देता हूँ। इनको अब बाजरा भी देंगे, बाजरा वगैरह भी इनको अच्छे तरीके से देंगे। ये देखें ये इनको सर्दी लगी हुई दोस्तों, ये दोनों इधर ही बैठे हैं।
ये इन्होंने भी दाना वगैरह खा लिया दोस्तों, वो देखो कबूतरों ने भी सफाया कर दिया, सब ने दाना वगैरह खा लिया। चलो दोस्तों आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर फॉलो कर दिया करें, अल्लाह हाफिज़। और लाहौरी मिनी जू 96 को सब्सक्राइब कर दिया करें, अल्लाह हाफिज़।